हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए स्टैटिक जीके के जो जो आपके 12 टॉपिक हैं उनमें से हम आज आपको दो टॉपिक करा चुके हैं, आज तीसरे टॉपिक लेकर आए हैं जो इसमें आपका हम आज इसमें बताएंगे भारत एवं विश्व के खेल। तो जिस प्रकार आपके पिछले 2021-22 में पेट में आए हुए थे प्रश्न, उसी के आधार पर हम आपको करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आप आज हमारा ये तीसरा टॉपिक है, तो हम आपको एक एक सब कराएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ से जरूर क्वेश्चन मिलेगा। देखिए 12 टॉपिक है और 10 क्वेश्चन इसमें से आना है, तो मतलब कि एग्जाम के लिए हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है टॉपिक। तो ये 12 टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो आज हम भारत एवं विश्व के खेल लेकर आए हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं भाई, पहला प्रश्न है करें कि देखिए पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है पिछले साल 2022 में आए थे, इसी के आधार पर हम आपको कराएंगे, ठीक है। तो इसमें तीन प्रकार के कराएंगे, विश्व के खेल, विश्व के देश जो है किस खेल से संबंधित हैं और कितने खेल जो हैं, कितने हर एक खेल में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं और आपको जो है कप या किस खेल से संबंधित है। तो तीन प्रकार के हम प्रश्न आपको इसमें कराएंगे, ठीक है। तो पहले हमने आपको देखिए लिया है प्रश्न आपका, देखिए ऑप्शन पहला प्रश्न है ये आपका पिछले साल 2022 में आया हुआ है, करें थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो थॉमस कप आपको बताना है किस खेल से संबंधित है, करें बैडमिंटन, क्रिकेट, बास्केटबॉल या टेनिस, ठीक है। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ ए नंबर हो जाएगा, बैडमिंटन जो है इस थॉमस कप खेल संबंधित है। देखिए पिछले साल ये 2022 का प्रश्न है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, देखिए कैसे पूछा था। अगला प्रश्न है ऐसे पूछा था भाई, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, बताइए भाई। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, करें टेनिस है, बास्केटबॉल है, बेसबॉल है या बैडमिंटन है। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेसबॉल। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है राष्ट्रीय खेल क्या है, बेसबॉल। तो ये भी प्रश्न आपका 2022 में पूछा गया था। अब हम आपको इसके बेस पर आपको हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं ताकि आप इसमें से आपके आए तो प्रश्न बन जाए, ठीक है। देखिए अब यहाँ से करा रहे हैं, करें कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल है, तो आपको यहाँ भी बताना है कि स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो सही देखिए यहाँ पे बिंदी लगा दे, बताइए भी। तो कह रहे कि सांड, युद्ध, हॉकी, रग्बी फुटबॉल या तीरंदाजी। सही ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, सांड, युद्ध, ठीक है। तो स्पेन का राष्ट्रीय खेल हो गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है भूटान का राष्ट्रीय खेल है, तो यहाँ पे आपको बताना है भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा। तो सही ऑप्शन करें क्रिकेट, जूडो, तीरंदाजी, रग्बी फुटबॉल। तो सही ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा, तीरंदाजी। अगला है कनाडा का राष्ट्रीय खेल है, तो यहाँ आपको बताना है भी कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आइस हॉकी। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो इसमें आपको बताना है भी कौन सा भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो सही ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, हॉकी। अगला है कहने कि रूस का राष्ट्रीय खेल है, तो रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो सही ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, फुटबॉल, शतरंज। अगला प्रश्न है स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है, तो इसमें आपको बताना है स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, रग्बी फुटबॉल। अगला प्रश्न है पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है, तो यहाँ आपको बताना है कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो क्या है भी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हॉकी। अगला है ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिकेट। अगला प्रश्न है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, करें कबड्डी, वॉलीबॉल, हॉकी या जूडो। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कबड्डी। अगला प्रश्न है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, बी नंबर, वॉलीबॉल। अगला है ब्राजील का राष्ट्रीय खेल है, तो यहाँ आपको बताना है ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है, करें बैडमिंटन, वॉलीबॉल, क्रिकेट या फुटबॉल। सही ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, फुटबॉल। अगला प्रश्न है इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है,
तो इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा भी? सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, बैडमिंटन। अगला प्रश्न है कि जापान का राष्ट्रीय खेल है, तो यहाँ आपको बताना है जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो क्या हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेबल टेनिस। करें निम्न में से दंडी बियो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेपाल का। अगला प्रश्न है, करें कि चिनलोन जिन्हें केन बाल भी कहते हैं किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, करें कनाडा, जापान, मलेशिया या म्यांमार। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, म्यांमार का। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है, तो फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, फुटबॉल। अगला प्रश्न है, किस देश का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है? तो सही ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा, चीन। करें अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, ए नंबर, भुज कासी। दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, ताइक्वांडो। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, करें कि न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, रग्बी यूनियन। अगला है, ईरान का राष्ट्रीय खेल है, तो ईरान का राष्ट्रीय खेल क्या है भी? सही ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर, फ्री स्टाइल कुश्ती। मैक्सिको का राष्ट्रीय खेल है, तो सही ऑप्शन आपको बताना है, मैक्सिको का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चरेरिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी नंबर सही हो जाएगा, तो चरेरिया जो है मैक्सिको का राष्ट्रीय खेल है। बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो अब यहाँ पर खेलों में कितने खिलाड़ी होते हैं यहाँ पर आपको हम बताएंगे, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न कहना कि रग्बी फुटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो यहां सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, 15 खिलाड़ी होते हैं। अगला है, पोलो खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो सही ऑप्शन आपका यहां सी नंबर हो जाएगा, 5 खिलाड़ी। तो पोलो खेल में कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? सही ऑप्शन आपका यहां कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, 4 खिलाड़ी। ठीक है, अगला, वाटर पोलो, नेटबॉल, वाटर पोलो और नेटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला है, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, ए नंबर, 9। अगला प्रश्न है, कबड्डी खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो सही ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा, 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट खेल में कितने खिलाड़ियों की संख्या है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, सी नंबर, 11 खिलाड़ी होते हैं इन तीनों में खेल में। अगला है, वॉलीबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, बी नंबर, 6 खिलाड़ी होते हैं। अगला है, करेक्ट, टेनिस एवं टेबल टेनिस में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी नंबर, 1 या 2। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या है?
तो ऑप्शन नंबर इसका सही क्या हो जाएगा भी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है, जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर 8। ठीक, ये आपका था खिलाड़ियों में, खेलों में कितने खिलाड़ी थे। ठीक, तो अब आपको यहाँ पर अगला जो टॉपिक है, अब खेलों से संबंधित प्रमुख ट्रॉफियाँ। ठीक है, तो यहाँ से आपके प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए पहला प्रश्न है, कह रहे विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, विजडन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ए नंबर क्रिकेट से। अगला है, कह रहे कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो किससे है ये आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, योनेक्स स्विस ओपन किस खेल से संबंधित है? तो सही ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा, हॉकी से। अगला है, लिंज ओपन किस खेल से संबंधित है? लिंज ओपन खेल किससे संबंधित है? सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बैडमिंटन से। अगला प्रश्न है, थॉमस कप पुरुष का संबंध किस खेल से है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, थॉमस कप जो है किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैडमिंटन से। अगला है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? सही ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा, फुटबॉल से। अगला है, रोजर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो सही ऑप्शन आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेनिस से। अगला प्रश्न है, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, सी नंबर, गोल्फ से। चाइना कप किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिम्नास्टिक से। अगला प्रश्न है, ग्रैंड प्रिक्स का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, F1 रेस से। अगला है, एजरा कप का संबंध किस खेल से है? तो एजरा कप का संबंध किस खेल से? सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, ईरानी कप का संबंध किस खेल से है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर, क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, करें कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो सही ऑप्शन आपका यहां हो जाएगा कौन सा, सी नंबर, क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, करें कि बिटन कप का संबंध किस खेल से है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हॉकी से। अगला है, विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रिकेट से। हेलो, अगला है, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका रोवर्स कप किससे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फुटबॉल से। अगला प्रश्न है, उबेर कप महिला का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो उबेर कप जो महिलाओं से संबंधित है, या जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये सही ऑप्शन ए हो जाएगा, बैडमिंटन से। अगला प्रश्न है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो सही ऑप्शन आपका यहाँ कौन हो जाएगा, सी नंबर, क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ए नंबर, क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, करें कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो सही ऑप्शन आपका यहाँ बी नंबर हो जाएगा, लाल टेनिस पुरुषों के। अगला है, योनेक्स कप का संबंध किस खेल से है? सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैडमिंटन से। अगला प्रश्न है,
कुछ बिहार ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? कुछ बिहार ट्रॉफी है, ठीक है। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिकेट। अगला है एशेज कप। एशेज कप कप संबंध किस खेल से है? सही ऑप्शन आपका यहां हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रिकेट से। अगला प्रश्न है फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो यहां सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, वॉलीबॉल से। अगला प्रश्न है कि फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो फीफा विश्व कप किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, फुटबॉल से। अगला प्रश्न है सीके नायडू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रिकेट से। अगला प्रश्न है गोल्डन ईगल ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो सही ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, बास्केटबॉल से। अगला है रामानुजन ट्रॉफी जूनियर पुरुष का संबंध किस खेल से है? तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेबल टेनिस। कहें कि जेके बोस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? सही ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, क्रिकेट से। अगला प्रश्न है शीश महल ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? सही ऑप्शन हो जाएगा, क्रिकेट से। अगला है राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोलो से। अगला प्रश्न है नायडू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन नंबर इसका किस कौन हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा, शतरंज से। अगला प्रश्न है वर्धमान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, डी नंबर, भारोत्तोलन से। अगला प्रश्न है किंग्स कप किस खेल से संबंधित है? तो सही ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, बॉक्सिंग से। अगला है आगा खा कप का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, सी नंबर, हॉकी से। अगला है कहने की अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा आपका, बी नंबर, हॉकी से। अगला प्रश्न है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो सही ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा, फुटबॉल से। अगला है लेडी रतन टाटा ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, कौन सा भी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हॉकी से। अगला प्रश्न है कहने की विंबलडन कप का संबंध किस खेल से है? तो किससे भी, सही ऑप्शन सी हो जाएगा, टेनिस से। अगला है ग्रैंड चैंपियंस कप का संबंध किस खेल से है? तो यहां सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वॉलीबॉल से। अगला प्रश्न है देखिए अमृत दीवान कप का संबंध किस खेल से है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, कौन सा भी, सी नंबर हो जाएगा, बैडमिंटन से। अगला है डन हिल कप का संबंध किस खेल से है? ये किससे है डन हिल कप का संबंध? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोल्फ से। अगला प्रश्न है फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कबड्डी से। अगला प्रश्न करें कि नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोट रेस से। अगला प्रश्न है करें कि होलकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है?
तो आपको बताना है यहाँ सही ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ब्रिज से। अगला प्रश्न है, वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो सही ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा, रोइंग से। अगला है, मारडेका कप किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी हो जाएगा, बास्केटबॉल से। अगला प्रश्न है, गुरु नानक ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, हॉकी से। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन का संबंध किस खेल से है? तो सही ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, टेनिस से। अगला प्रश्न, फ्रेंच ओपन का संबंध किस खेल से है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेनिस से। अगला प्रश्न है, यूएस ओपन किस खेल से संबंधित है? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेनिस से। आखिरी प्रश्न है, अगला है, विश्व कप का संबंध किस खेल से है? तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शतरंज से। ठीक है, इस प्रकार आपके जो इम्पोर्टेंस ट्रॉफी थी उसमें हमने अच्छा सारे प्रश्न करा दिए। आपको यहाँ से प्रश्न आएगा तो जरूर मिल जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।